सोशल मीडिया पर हाथों में हथकड़ी लगे एक शख्स की तस्वीर वायरल हो रही है। साथ में एक पेटी से कुछ बिखरे हुए सेब, कुछ कारतूस और ग्रेनेड्स की तस्वीर भी शेयर की जा रही है। दोनों तस्वीरों को शेयर कर रहे सोशल मीडिया यूजर्स इसे असम के कथित कांग्रेस नेता अजमत अली की तस्वीर बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ये कथित कांग्रेस नेता हमले की प्लानिंग कर रहा था। फेसबुक यूजर अजय मोदी ने वायरल तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा है। ट्विटर यूजर शिवदान सिंह छोकर ने भी यही दावा किया है। फेसबुक और ट्विटर के अलावा व्हाट्सएप पर भी ये दावा तेजी से वायरल हो रहा है। द लल्लन टॉप ने वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वायरल तस्वीरों के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक निकला। रिवर्स इमेज सर्च के जरिए हमें हाथ में हथकड़ी लगे शख्स की तस्वीर बांग्ला न्यूज नाम के एक ब्लॉग स्पॉट पर मिली। इसके मुताबिक शख्स का नाम मुबारक हुसैन है, जिसे 4 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुबारक घटना के वक्त बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर के एक मदरसे में इमाम था। ये ब्लॉग 16 मई 2018 को पब्लिश हुआ था। वायरल हो रही तस्वीर में दिख रहे पुलिसकर्मियों ने जो वर्दी पहनी है, वही वर्दी मेमनसिंह शहर की पुलिस की है। हालांकि हम इस तस्वीर के बारे में ब्लॉगस्पॉट में लिखी जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाए हैं। इस घटना के बारे में बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट द डेली स्टार ने भी 6 मई साल 2018 को रिपोर्ट छापी थी। दूसरी तस्वीर में सेब के साथ कुछ कारतूस और बम ग्रेनेड बिखरे हुए हैं। रिवर्स सर्च करने पर हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर मिली। 29 अक्टूबर 2018 को किए गए इस ट्वीट के मुताबिक श्रीनगर के बाहरी इलाके में गोलीबारी हुई, जिसमें 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए, जिसमें से एक घायल है। जांच शुरू है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा जागरण वेबसाइट ने भी 30 अक्टूबर 2018 को ये तस्वीर खबर समेत पब्लिश की है। हमने अमजाद अली नाम के कांग्रेस नेता के बारे में इंटरनेट पर खोजा, लेकिन सर्च करने पर कहीं भी असम कांग्रेस के किसी भी ऐसे नेता के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिली। हमारी पड़ताल में असम के कथित कांग्रेसी नेता के आतंकी साजिश में शामिल होने के नाम पर वायरल दावा और तस्वीरें भ्रामक निकली। वायरल दावे के साथ शेयर की जा रही दोनों तस्वीरें अलग अलग जगह और समय की हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स की तस्वीर बांग्लादेश की है, वहीं सेब की पेटी से निकले हैंड ग्रेनेड की तस्वीर कश्मीर की है। इनका असम या किसी कांग्रेस नेता से कोई वास्ता नहीं है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लल्लन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।